अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। माय नेम इज़ अहमद अजमल। चैनल देखे हैं कर करूँ। आई होप इट ऑल फाइन। आई सी सी मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल नंबर 2 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टॉस जीते पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी। तो इंडिया ने 20 ओवर खेल के 171 रन बनाए, 7 विकेट आउट हुए। रोहित शर्मा 57, सूर्य कुमार यादव 47, हार्दिक पांड्या 23 और रवि जडेजा 17 रन के नॉट हुए। इंग्लैंड की जाने के जॉर्डन ने 3 स्टैम्प, करन ने 1, आदिल रशीद ने 1 और रिश टोपली ने भी 1 की हाथ की। जवाब में इंग्लैंड के लिए 172 रन कर रखी जाए कि नाकाम रही और सिक्सटी 4 ने 1-0 ऑल आउट। हैरी ब्रोक 25, जॉस बटलर 23, जोफ्रा आर्चर 21 और जॉन लिविंगस्टन ने 11 रन बनाए। इंडिया की जाने कुलदीप यादव ने 3, अक्षर पटेल ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट हासिल की। मैच इंडिया 168 रन। लो जी, इंग्लैंड का भी किस्सा खत्म। इंग्लैंड को वही 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वाला ट्रॉफी मिला। उस वक्त उन्होंने 10 विकेट चेस किया था, लेकिन इस दफा मामला उलट पड़ गया। पहली गलती इंग्लैंड की तरफ ये थी, इन्होंने टॉस जीत के इंडिया को क्यों बुलाया। इनको जब पता है कि इंग्लैंड की टीम या इंडिया की टीम में जो स्पिनर हैं वो बड़े अच्छे फॉर्म में है, अक्षर पटेल हो गया या कुलदीप यादव हो गया या रविंद्र जडेजा हो गया, ठीक है कि अगर हम यानी हम चेंज करने आएंगे तो हमें मुश्किल होगी। हमें उनके स्पिनर एक दो पहले बारिश भी हुई थी तो बारिश की वजह से पिच जो थी वो मतलब स्पिनर्स के लिए जो है वो हेल्पर हो गई थी, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं कि जब बारिश होती है तो विकेट जो है वो फास्ट बॉलर के लिए हेल्पर होती है, वो तो होती है, लेकिन जब तेज़ जब वक्त वक्त बारिश हो ना तो जल्दी जल्दी बॉल टर्न होता है। क्योंकि आप खुद देख लो कि जब इंडिया की टीम भी बैटिंग कर रही थी तो 10-15 ओवर के अंदर अंदर बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया था, जिसमें आदिल रशीद इंडिया के बाद वो थे भी बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, कुलदीप यादव देख लें और अक्षर पटेल, और आउट भी इन्होंने किए हैं। कुलदीप यादव ने भी 3 आउट किए हैं और अक्षर पटेल ने भी 3 आउट किए हैं, ठीक है जी। ये 3-6 हो गए और 2 और बुमराह ने किए हैं और 2 अमेरिका आई थिंक वो रन आउट हुए हैं। वही ना, देखो देख जी, हर मैच में, हर बड़े मैच में हर टीम का बड़े घर एक्सपोज हुआ है। अब आप खुद देख लो कि बटलर की कितनी जी फॉर्म लगी हुई थी, ठीक है, हैरी ब्रुक की कितनी जी फॉर्म लगी हुई थी, जॉस बटलर के साथ जॉनी बेसो की कितनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। अफगानिस्तान को खाओ फेगा वाला सेमीफाइनल देखने, रहमान गुरबाज की कितनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। हर टीम का बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में एक्सपोज हुआ है, चाहे वो इंग्लैंड हो जाए, चाहे वो अफगानिस्तान हो जाए, ये चाहे वो वेस्ट इंडीज हो जाए। अब इंडिया की टीम का फाइनल हो गई थी साउथ अफ्रीका के बाद, साउथ अफ्रीका की पहली ओवर तो वह पहुँची और इंडिया की टीम 2007 में पहुँची T20 में फाइनल में, पाकिस्तान को शिकस्त दी। उसके बाद इंडिया की टीम 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची थी। श्रीलंका के साथ फाइनल हुआ था, उस मैच में युवराज सिंह ने बड़ी स्लो बैटिंग की थी। तो उसके बाद फिर यानी कि 2007 में जीती, ठीक है जी, 2014 में हरी फाइनल श्रीलंका से, 2016 में सेमीफाइनल में हरी वेस्ट इंडीज से, और अब पहुंची है जी 2024। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी सपोर्ट तो साउथ अफ्रीका के साथ है, क्योंकि पहली उम्र से पहुंची है और हक है साउथ अफ्रीका, दे डिजर्व, साउथ अफ्रीका का हक है ये ट्रॉफी जीतना, ये वर्ल्ड कप जीतना। तो बाकी देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। स्पिनर हैं इंडिया के स्पिनर्स अक्षर पटेल, ये हो गया कुलदीप यादव, बस इनसे ज़रा इनको ज़रा समझ के खेल लें। साउथ अफ्रीका भी मुश्किल से ही खेलती है स्पिनर्स को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।